Hi guys, how are you? I hope you all are fine. मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे. In previous lecture, हमने जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, that is refraction through spherical refracting surfaces. उसका हमने बेसिकली एक टॉपिक किया था कि जब रिफ्रैक्शन आपकी, जब लाइट रेयरर से डेंसर, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो जो रियल इमेज है, रियल इमेज के लिए फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने एक डेरिवेशन कल प्रूफ की थी. तो आज हम उसका सेकंड डेरिवेशन प्रूफ करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. आप सोच रहे होंगे, अरे यार ये भी तो सेम ही है, बट सेम नहीं है. हमने कल किया था रियल इमेज के लिए, आज हम करेंगे वर्चुअल इमेज के लिए. अब आइए उसके लिए पहले जरा डायग्राम समझते हैं. कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो आपको पता ही होगा, ये मैंने आपको बताया था कि दिस इज कॉल्ड एज द कन्वेक्स, क्योंकि कनकेव ऐसे होता है और कन्वेक्स ऐसे होता है, ठीक है ना. बेसिकली तो हम देखते हैं जो आपका कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, जब आप वर्चुअल इमेज आपने फॉर्म करनी होती है, तो आप एक चीज का बड़े अच्छे से ध्यान रखें कि जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने पोल के नजदीक रखना है, ठीक है. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर द पोल, इस बात का आपने अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि प्रीवियस टॉपिक में हमने जो रियल इमेज था उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखा हुआ था, बट इस केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पोल के नियरर रखेंगे. तो यहां से ओ से रे गई, जैसे ही यहां पहुंची, अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह नीचे को क्यों नहीं गई, क्योंकि पिछले टॉपिक में रे नीचे को गई थी. सोचने की बात है, क्यों? क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट पोल के नजदीक होता है तो लाइट की रे उतना बेंड नहीं हो पाती, तो ये बेसिकली थोड़ी इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाती है. तो जब ये इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी तो आपकी इमेज जो है ऑब्जेक्ट के पीछे जाके यहां पर बन जाएगी, और हमें नॉर्मल भी खींचनी पड़ेगी. नॉर्मल कैसे खींचेंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखकर. आपको पता है स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो सेंटर से आपकी खींच जाएगी. और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जो एंगल यहां पर आइटा बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहां इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर पड़ेगा, ठीक है. अब मैंने एक और चीज आपको टैली करवाया था कि ऑब्जेक्ट के लिए एंगल अल्फा लिया जाता है, इमेज के लिए एंगल बीटा लिया जाता है, बाकी जो नॉर्मल होती है जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर टच करता है उसके लिए आप गामा लेते हैं. बेसिकली ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, क्योंकि ग्लास के अंदर तो डेंसर ही होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इसका म्यू टू है. एन वन एन टू मैंने इसलिए लिखा है, समटाइम जो है आस्क आपका इन टर्म ऑफ एम किया जाता है, एन भी बेसिकली आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. तो चलिए डेरिवेशन करते हैं. आपको पता है डेरिवेशन के लिए सबसे पहले इस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया जाता है. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है, तो आपको पता है स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन. आपको पता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इसका म्यू टू है, तो आपके पास आएगा म्यू वन साइन आई, क्योंकि एंगल ऑफ आई बन रहा है, इज इक्वल टू द म्यू टू साइन आर. म्यू टू साइन आर, अंदर आर बन रहा है, ठीक है. अब देखिए ये एंगल स्मॉल है, these angles are very small, and I told in previous lecture for a small angle we take sin I is equal to I. why we take this, मैंने आपको एक मैथ का फॉर्मूला भी बताया था कि बेसिकली होता क्या है, जब आप लिमिट थीटा की जीरो पुट कर देते हैं तो बेसिकली sin थीटा by थीटा जो है वन हो जाता है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है. तो इसका मतलब थीटा आई है साइन ऑफ आई अपॉन आई इज इक्वल टू वन, तो आई बेसिकली इस तरफ गया, तो साइन आईटा अपॉन इज इक्वल टू आई बेसिकली. और सिमिलरली वही आपका टेंजेंट के केस में भी हो जाता था, तो उसको हम क्या कर देते थे, टेन आई के इक्वल कर देते थे, बिकॉज एंगल आर स्मॉल. तो इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर मैंने पहले ही लिख दिया है आई टेंजेंट आई, आर टेंजेंट आर. तो बेसिकली चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे गामा हो, हम उनको टेन से रिप्लेट कर सकते हैं, टेंजेंट आई टेंजेंट आर टेंजेंट गामा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ठीक है. अब बेसिकली जब आप साइन आई की जगह आई भरेंगे, साइन आर की जगह आर भरेंगे,
तो ये जो इक्वेशन स्टार मैंने बताया, इस इक्वेशन स्टार को इस तरह से कन्वर्ट होना पड़ेगा। देखिए म्यू वन आई साइन आई की जगह आई, म्यू टू आर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर साइन आर है तो साइन आर को तो हमने आर से रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। अब देखिए उसके बाद हमें ट्राइंगल्स लिखनी है। आपको पता है बेसिकली ट्राइंगल्स तो बहुत दिख रही हैं, पर हम पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे कि यहां पर ट्राइंगल कैसी बन रही है। बेसिकली मैं इसको इरेज कर देता हूं। आई होप ये समझ आ गया होगा, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्मूला। तो देखिए एक ट्राइंगल पहले लेंगे आप, ट्राइंगल ओ ए सी, मतलब ओ ए सी। अब मैं यहां इसको ड्रॉ करता हूं, ट्राइंगल ओ ए सी। अब बेसिकली यहां पर भी आपका एंगल आर बना है, यहां पर एंगल अल्फा, एंगल बीटा। अब आपको यहां पर आप सोच रहे होंगे, अरे भाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा ही क्यों आया, हम गामा इज इक्वल टू, हम यहां पर बेसिकली आर नहीं जाएगा, सॉरी आई हो यहां पर आर नहीं आएगा ये इस तरफ, क्योंकि हमने एंगल ऑफ आई का लेना है। सॉरी मेरे से गलती हो गई, दिस इज आई टू। ओके, और यहां पर भी बीटा नहीं गामा होगा, कंफ्यूजन हो जाता है समटाइम। तो देखो आप सोच रहे होंगे, अरे यार यहां पर आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा ही क्यों लिखा, हम अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा भी लिख सकते थे। आप मैथ में थोड़ा जाइए, आपने प्रीवियस ज्योमेट्री क्लासेस में, मतलब मैथमेटिकल की ज्योमेट्री पोर्शन में आपने देखा है कि अगर कोई ट्राइंगल होता है, मान लीजिए इस तरह से ट्राइंगल दी है और इस तरह से एक एंगल बाहर दिया, मतलब एक्सटीरियर, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, तो ये जो अंदर की एंगल है ये तो इंटीरियर एंगल्स हैं आई ए, और ये जो थर्ड एंगल है दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। और आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल यहां पर कौन सा है, आईटा, तो आई मैंने लिख दिया, बल प्लस आपका आ जाएगा अल्फा प्लस गामा, तो दिस इज द एक्सटर्नल जो एंगल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलरली वो हो जाएगी, इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब उसके बाद हमने पोर्शन लेना है आई वाला, तो हमें इमेज लेनी पड़ेगी, ट्राइंगल लेनी पड़ेगी आई ए सी। तो आई ए सी को खोल के देखते हैं जरा, इस तरह से आई ए सी। अब यहां पर ट्राइंगल इस तरह से है, दिस इज द एक्सटर्नल एंगल आर, यहां पर अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, यहां पर बीटा होगा, बीटा यहां पर होगा आपका गामा। ओके, तो आपको पता है आर आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, दैट इज बीटा प्लस गामा। तो आपके पास यहां पर लिख दिया गया है आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, हमारे पास आई और आर की वैल्यू आ गई है। बेसिकली आपने इसको अच्छे से समझना है। तो देखिए जब आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज आई और आर की वैल्यू आ गई, तो पुट कर सकते हैं, तो म्यू वन आपका आई की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस गामा, और आर है आर की जगह आ जाएगा आपका बीटा प्लस गामा। मैंने पहले से ही आपको बताया भी अल्फा और गामा को हम टेंजेंट से रिप्लेस कर देंगे, तो आ गया म्यू वन टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट गामा इज इक्वल टू म्यू टू टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गामा। सिमिलरली अब देखिए यहां पर भाई साहब टेंजेंट आ गया, जब यहां पर टेंजेंट आ गया आपको पता है टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए सबसे पहले अल्फा वाला ट्राइंगल, देखिए अल्फा कहां बन रहा है किस ट्राइंगल में, इसलिए हमने परपेंडिकुलर भी खींचा हुआ है ए एम। तो ट्राइंगल बन रहा है आपका कौन सा, ओ ए एम, ओ ए एम बन रहा है, इसका परपेंडिकुलर ये है ए एम, तो परपेंडिकुलर ए एम अपॉन बेस कौन सा है ओ एम। तो सिमिलरली टेंजेंट गामा, गामा के लिए ट्राइंगल देखिए, गामा के लिए ट्राइंगल बन रहा है आपका एम सी ए, मतलब ए एम सी, इसके लिए ये है आपका ए एम परपेंडिकुलर, बेस आपका एम सी है, तो एम सी इक्वल टू म्यू टू टेंजेंट बीटा। अब बीटा के लिए ट्राइंगल देखिए, बीटा के लिए ट्राइंगल बन रहा है आपका आई ए एम, यहां पर बीटा
तो बीटा के लिए क्या है आपका परपेंडिकुलर AM, तो AM आ गया अपॉन बेस क्या है आपका IM, तो हमने यहां रिप्लेस कर दिया AM अपॉन IM। अब टेंजेंट गामा का आपको सिमिलरली पता है, पीछे भी हमने किया AM अपॉन MC, तो दिस इज वेरी सिंपल, आपके पास इक्वेशन ये आ गई। इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखता हूं ताकि ये इजी हो जाए समझने के लिए। देखिए बेसिकली बड़े सिंपल से कंसेप्ट है, ज्यादा हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज म्यू वन इज इक्वल टू म्यू वन इंटू ए एम अपॉन, पहले इसके लिए ए एम अपॉन ओ एम, प्लस गामा के लिए कौन सा है आपका, गामा के लिए है आपका सिमिलरली आपका आ जाएगा ए एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू म्यू टू, आपका यहां पर पहले है बीटा, तो बीटा के लिए आपका आ जाएगा आई एम अपॉन एम आई एम नी, यहां पर परपेंडिकुलर ए एम है, ए एम तो सिमिलर रहेगा ना, ए एम अपॉन आई एम प्लस ए एम, बाकी अगेन गामा के लिए आपका आ जाएगा एम सी। अब देखिए सिमिलरली यहां क्या होगा, अब आप देख रहे होंगे ए एम कॉमन है तो आप बाहर ले लीजिए म्यू वन, ए एम को कॉमन ले लीजिए, आपके पास वन अपॉन ओ एम प्लस वन अपॉन एम सी इज इक्वल टू दी म्यू टू ए एम अगेन कॉमन, और वन अपॉन आपका आ जाएगा आई एम इज प्लस वन अपॉन एम सी आ जाएगा। बेटा ए एम से एम कट गया तो आपके पास आ गया पूरा मल्टीप्लीकाई करके म्यू वन अपॉन ओ एम प्लस म्यू वन अपॉन एम सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन आई वन प्लस म्यू टू अपॉन एम सी, वेरी सिंपल। अब देखिए हम क्यों ना भाई एम के नजदीक पोल भी है, क्यों ना एम को हम पी से रिप्लेस कर दें भाई, क्योंकि बिकॉज पी इज वेरी नियरर टू एम, तो आपके पास क्या होगा ओ एम हो जाएगा आपका किसके इक्वल, ओ पी के इक्वल, ध्यान रहे, और आपका एम सी, एम सी बेसिकली आपका इक्वल हो जाएगा पी सी के, और आई एम रिप्लेस हो जाएगा आपका आई पी के इक्वल बेसिकली। अब देखिए ये सारी वैल्यूज आपने, मैंने यहां पर मान लीजिए थर्ड इक्वेशन दे दिया, फोर्थ इक्वेशन दे दिया, फोर्थ इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, तो बड़ी अब आपके पास आ जाएगा म्यू वन अपॉन ओ एम की जगह ओ पी प्लस म्यू वन अपॉन एम सी की जगह लिख सकते हैं पी सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन आई एम की जगह लिख सकते हैं आई पी प्लस म्यू टू अपॉन आप लिख सकते हैं एम सी की जगह अगेन आपका पी सी। अब देखिए इसको हमने दे दिया फिफ्थ इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर आपको इरेज करना पड़ेगा, ये मैं इरेज कर देता हूं ताकि हम ऊपर से कर सके अच्छे से। अब देखिए बेसिकली क्या होगा, अब हमें इनकी वैल्यूज चाहिए भाई, अब जब हम इन पे बाय अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, जब हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पर, तो देखिए आप बोलता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल, पोल से सारे डिस्टेंस, मतलब सारे डिस्टेंस यहीं से मेजर किए जाएंगे। तो सबसे पहले देखो ओ पी, भाई ओ पी है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और कहां से होगा भाई पोल से, यहां से मेजर किया जाएगा ऑब्जेक्ट तक, तो दिस इज माइनस यू, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये रे के उल्टी तरफ आ रहा है, और यहीं से हम ले लेंगे इमेज डिस्टेंस, दैट इज आपका आ जाएगा आई पी, तो पी से मेजर करेंगे देर इज माइनस वी, और उसके बाद हमारे पास अहम हिस्सा बचता है पीसी। अब पीसी रे के साथ साथ मेजर किया जा रहा है, मतलब यहां से मेजर किया जा रहा है आगे की तरफ, तो ये आ जाएगा आपका प्लस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा म्यू वन अपॉन ओपी है आपका माइनस यू प्लस म्यू
वन अपॉन आपके पास पीसी दिया है प्लस आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन आईपी आपके पास दिया है माइनस वी प्लस आपके पास म्यू टू अपॉन प्लस आर. इज इट क्लियर? अब ये क्लियर हो रहा होगा आपको मे बी. अब देखिए हमने करना क्या है, आर आर वाली एक साइड ले जाइए तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू वन अपॉन माइनस यू. जब आप इस वी को इस तरफ लाएंगे ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा. म्यू टू अपॉन वी आपके पास आ गया इक्वल टू म्यू टू बाई आर. अब ये प्लस का म्यू वन अपॉन आर है तो इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा तो आपके पास आ गया म्यू वन अपॉन आर. तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू, पूरा इसको सॉल्व करके आ गया आपका एलसीएम वगैरह लेके म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. तो ये आपका हो गया बेटा डेरिवेशन. इसकी जगह इस तरह भी लिख सकते हैं आप, एन वन अपॉन माइनस यू प्लस एन टू अपॉन वी इज इक्वल टू दी एन टू माइनस एन वन अपॉन आर. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी. आई होप आप सभी को समझ आया होगा. कल हम इसी का ही नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. ओके एंड ऑल द बेस्ट.